हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय प्यारा सा अमेजिंग सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। सो आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो लेक्चर्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग आईसीएसई स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 4.10 रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। अब रियल एंड अपेरेंट डेप्थ कैसे डेप्थ किसी की चेंज होगी। सो इसका इफ आई टेक वन एग्जांपल हियर, इफ आई टेक सम वाटर इन अ कंटेनर एंड आई ड्रॉप अ कॉइन इन दैट कंटेनर, व्हाट कैन आई सी थ्रू दैट कंटेनर? दैट कॉइन इज जस्ट लिटल अपवर्ड देन इट्स ओरिजिनल प्लेस। सो आई illusion, it is an illusion. So by illusion I see that coin is slight move upward than its original position. Clear? So why this happens? This happens because of refractive index of our denser medium. Clear? So now we are talking about denser medium. So light is passing from denser to rarer medium, because if I drop coin in liquid filled container, then the light, the source of light is coming from denser medium. Clear? So here at now my object is at here, and first of all, if I see obliquely, if I see direct normal to the surface, then what can I see? So light ray is just passing through the surface and it will emergent out directly. So there is a direct straight line for whenever I see normally to that particular object. Okay, so here light rays are from source and then again it will towards the our eyes. Okay, now agar if we see that object obliquely, then what happens? So here first of all light ray travels, then what happens if I draw the normal to the surface? Then our light ray is drawn away from the surface. Clear? So there is a deviation of light due to refraction. Clear? Okay, ab sabko naam de do. A, this is A, this is A dash, this is source O. Clear? Okay, now our actual depth in our medium, what is our actual depth? So this will be our actual depth. Yes. ओके, नाउ यहां से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसको मैं पीछे खींचता हूँ, पीछे खींचूंगा तो कुछ पॉइंट यहां पर मिलेगा ना, कोई पॉइंट। सो अगर हम लोग बाहर से देखने वाले हैं इस कॉइन को, तो वो जो इमेज है वो एग्जैक्टली यहां पर मिलेगी। दैट इमेज इज सीन एट दिस पॉइंट, सो दैट इज अवर आई, जहाँ पर हमें वो इमेज दिखी। मैंने अभी बोला था कि कॉइन कहाँ दिखेगा, तो थोड़ा ऊपर की परत पे दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखने वाला है। सो दैट इज़ अवर आई। सो उसको हम लोग नाम देंगे, दैट इज अवर अपेरेंट, यस अपेरेंट डेप्थ। वो हमारा क्या हो गया? अपेरेंट डेप्थ हो गया। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं। सपोज के दिस इज माय पी पॉइंट, दिस इज माय यस क्यू पॉइंट, बस बाकी सब पॉइंट्स हैं हमारे पास। ओके ओके, नाउ वी आर जस्ट, सो दैट इज अवर अपेरेंट डेप्थ। जो अपेरेंट डेप्थ है दैट इज नॉट एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ इज दिस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल डेप्थ ऑफ अवर एग्जाम्पल। ओके, नाउ we are moving on to
angles. There are angles. If refraction takes place from here, then this will be from the normal, that becomes angle of incidence. This become angle of refraction R. Okay, similarly here, this angle will be again I here, and for this angle, this is again, it is similar to refraction angle R. So ऐसे angles बनेंगे, clear? Okay. Now सब कुछ I, this one भी is RR. तो मुझे यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर, सिंपल. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मीडियम या फिर लिक्विड मीडियम या वाटर ले सकते हैं. अगर हमने लिक्विड मीडियम लिया है तो यहाँ पर W लिख लेते हैं, क्लियर. सो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि यहाँ से हम लोग लास्ट में एयर मीडियम में जा रहे हैं, जो सो हमारी जर्नी है, जर्नी इज टूवर्ड्स द एयर मीडियम. ओके, सो इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड साइन आई. व्हाट इज साइन आई? सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल साइन आई इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट पॉइंट इज अवर ए डैश क्यू अपॉन hypotenuse. Hypotenuse is our this, what is this, OQ, clear. Similar sin R, sin R is equal to, yes, sin R is equal to A dash Q again upon hypotenuse. Hypotenuse is IQ, yes. So to find refractive index is equal to, put this formula inside this. So A dash Q upon OQ upon A dash Q upon IQ. A dash Q will be cancelled out. So our equation now is IQ upon OQ. What is IQ? IQ is this distance. And what is OQ? OQ is this distance. Clear? So for the from point A, we can write this equation again. So from the point A, if we have to write that equation, what is that equation exactly? So I can write IA dash upon OA dash. This equation comes from point A. Now what this equation actual tells us, so this equation actually tells us this, that IA dash is our apparent depth and OA dash is our real depth. That is the this equation telling us here. So if I am changing the refractive index of water with respect to air, then what happens? So there is also changing here. Change is real path, real depth upon apparent depth. Yes, तो वो पूरा change हो जाएगा, clear. So that is the small change here. Okay, now अब यहाँ पर, so let us take one example here. Clear? So refractive index of water with respect to air, if we are taking it as 4/3, then what is 4/3 here? So now connect with this formula, and that is real depth upon apparent depth. If we connect with this formula, then apparent depth will be left hand side. So our real depth is equal to 4/3 of our apparent depth. Clear? So इस प्रकार से changes आएंगे कि भाई real depth कितना हो गया, तो 4/3 of our apparent depth. Clear? Okay.
Okay, now if we are changing that the what is the displacement of object. So what is the displacement of object? So it is the real depth minus apparent depth. तो वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ ओ आई, सो वो ओ आई कहेगा. क्लियर? सो ओ आई इज इक्वल टू रियल डेप्थ. वॉट इज रियल डेप्थ? दैट इज अवर ओ ए डैश माइनस अपेरेंट डेप्थ, दैट इज अवर आई ए डैश. सो दिस विल बी द सब्ट्रैक्शन. बाय दिस सब्ट्रैक्शन वी गेट डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? ओके, नाउ here if I put the real depth formula from this equation, then OI will be OA dash. So this is our OA dash and this is our we call it as IA dash. Clear? Okay, so OI dash subject banao. If I OI dash subject, then A mu W into IA dash minus IA dash ho jayega. ये फॉर्मूला हो जाएगी हमारी. क्लियर? एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कॉमन आई ए डैश, सो आई कैन राइट ए म्यू डब्ल्यू माइनस वन. सो दैट इज ओ आई. ओ आई इज अवर सिंपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंटेनर इज दिस फॉर्मूला. सो आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट is equal to IA dash. What is IA dash? IA dash is our apparent depth into bracket refractive index minus 1. Simple formula. Clear? Okay. Now if we are taking again one example, that if glass mu refractive index with air. So refractive index of air with respect to glass is equal to, again formula will, real depth upon apparent depth. Okay, from this formula I have to write the formula value, that it will be 3/2. So this is the refractive index formula. So if I subject real depth, then what happens? So real depth will be is equal to 3/2 of apparent depth. क्योंकि real depth है वो ज़्यादा है, apparent depth कम है, तो वो 100 का सिर्फ 15, सिर्फ 3/2% ही apparent depth हो जाएगा. मतलब एक का 3/2% apparent depth. Clear? Okay, so that's all for today guys. Thank you very much to listen my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.